नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सूरत से सामने आ रही है। सूरत में बड़ा हादसा हो गया है। बेकाबू ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को कुचल दिया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज ऑल इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर न्यूज ऑल इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर सूरत में बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल एक ट्रक ओवरटेकिंग के चलते एक ट्रैक्टर को टक्कर मारी है, उसके बाद बेकाबू होकर 18 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। दरअसल ये लोग फुटपाथ पर सो रहे थे, जिसमें से 15 लोगों की मौत। डंपर ने सड़क के पास फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें से 15 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि मरने वाले सभी मजदूर हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। साथ ही लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सूरत से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देर रात ये बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल एक ट्रक डंपर तेज रफ्तार से जा रहा था, ऐसे में ओवरटेक के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। फुटपाथ पर 18 लोग सो रहे थे, जिसके बाद बेकाबू ओवरटेक डंपर ने 18 लोगों को कुचल दिया है और 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस विभाग को सूचना दी गई, पुलिस विभाग फौरन मौके पर पहुंचा है। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, साथ ही साथ 15 लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बेहद ही दुखद घटना है, ऐसे में मृतक के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए मुआवजा देने की बात भी यहां पर कह दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर ये उठ रहा है कि इस तरीके के हादसे पर रोक कब लगेगी? आखिरकार देर रात इस तरीके के हादसे क्यों होते हैं, जहां पर बेकाबू ट्रक खुले आम दौड़ते हैं और लोगों को अपनी चपेट में ले लेते हैं, जिसके बाद सूरत से ये बड़ा हादसा जहां पर 18 लोग कुचल दिए गए, 15 लोगों की मौत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक न्यूज ऑल इंडिया पहुंचा रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है और बेहद ही दुखद खबर है ये, जहां पर देर रात एक ट्रक ने 18 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें से 13 गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। कुल संख्या अभी 15 बताई जा रही है, 15 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर उनका इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।